हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, एकदम डीप लेवल में हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है और ये विद्युत धारा मतलब आता कैसे है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स में जो फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो क्यों प्रवाहित होती है, उसका कारण क्या है। ठीक है, और विद्युत धारा से जितना भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, सब हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे विद्युत धारा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले विद्युत धारा को समझने से पहले हमको विद्युत आवेश और जो है विद्युत विभव को समझना पड़ेगा। ये अगर दो चीज ये वाला समझ में आएगा तभी जो है विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेश की। ठीक है, इसके पहले तुम लोग 8 वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जो है आवेश कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, बढ़िया से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आवेश एक भौतिक राशि है जो विद्युत धारा की उत्पत्ति का कारण है। हाँ बिल्कुल, आवेश की वजह से ही विद्युत धारा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, हम लोग अभी लास्ट में समझ लेंगे बढ़िया से कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे हुआ। तो आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है, जो विद्युत धारा उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश क्या है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, अच्छे से सब नोट डाउन कर लोगे तुम लोग वीडियो के एक बार देखने के बाद। ठीक है, धन आवेश को हम, अच्छा सबसे पहली बात, आवेश को डिनोट कैसे करते हैं, यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू क्यू अगर किताबों में लिखा हुआ है दैट मीन्स ये आवेश लिखा है। ठीक है, तो धन आवेश को प्लस क्यू। तो धन आवेश होता क्या है, जब कोई पदार्थ आवेश त्याग देता है, यानी कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज मैं एक बॉडी हूं, मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं, ठीक है, आवेश जो है मेरे ऊपर, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया, एक आवेश किसी और को दे दिया, किसी और एलिमेंट को दे दिया। ठीक है, अभी हम लोग जब इसके आगे वाले चैप्टर में करेंगे, रासायनिक बंध बोल के चैप्टर है, तो उसमें पता चलेगा कि कोई आवेश लेता या देता क्यों है। ठीक है, तो सपोज मैंने किसी को आवेश अपना दे दिया तो मैं धन आवेशित हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास धन था इसलिए मैंने उसे दे दिया। ठीक है, चार्ज एक तरह से किसी बॉडी का धन ही होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने उसको दे दिया है एक चार्ज, तो मैं धन आवेशित हो गया, और जो लिया वो ऋण आवेशित। ठीक है, क्यों ऋण आवेशित, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, तो समझ लो मैंने उसे कर्ज दे दिया तो वो ऋण आवेशित, तो समझने का एक तरीका है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आवेशित होता है और जो लेता है वो ऋण आवेशित होता है। तो जो धन आवेशित होते हैं उसको धनायन कहते हैं, और इंग्लिश में कैट आयन कहते हैं, याद रखना इंग्लिश भी, कैट आयन कहते हैं, और ऋणायन कहते हैं जो ग्रहण करते हैं, और उनको इंग्लिश में एनायन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के साथ याद रखोगे तुम लोग। उसके बाद आवेश की इकाई होती है कुलम्ब। ठीक है, जब भी हमको आवेश, जैसे मान लो हम लोग आटा चावल खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 किलो आटा दे, 6 किलो आटा दे। ठीक है, लेकिन अगर हमको कुलम्ब की बात करनी है तो कुलम्ब का भी एक इकाई होना चाहिए ना। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं 1 किलो कुलम्ब या 2 किलो कुलम्ब, नहीं सॉरी कुलम्ब की बात कर रहे हैं, 1 किलो चार्ज, 2 किलो चार्ज, नहीं, चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है उसको कुलम्ब से मापते हैं, जैसे आटा चावल को केजी से मापते हैं। ठीक है, तो आवेश की इकाई जो है कुलम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आवेश समझ में आया क्या है, आवेश के वजह से ही जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, आवेश के वजह से क्या क्या ऐसा आवेश करता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ही आवेश उत्पन्न करता है। अब देखो यहां क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश उत्पन्न होता है, और हम लोगों ने पढ़ा आवेश के वजह से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसीलिए तो विद्युत धारा कहते हैं, नाम भी इसी तरह, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्जेस बनते हैं। ठीक है, चार्जेस का फ्लो होता है, फ्लो यानी बहाव होता है। ठीक है, तब जाकर के विद्युत धारा बनता है यानी होता है, क्रिएट होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश, पहले पूरा बढ़िया से समझ लो फिर लास्ट में कंक्लूजन डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन ही आवेश उत्पन्न करने का कारण है, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा तुम लोग पिछले क्लासेस पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के 3 मौलिक कणों से होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से एक मौलिक कण इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खास बात यह होती है कि इलेक्ट्रॉन अपने जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके बाहर, वो आउटर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, बाहरी
जो कक्ष होता है उसमें चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो जाता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश का मान कितना होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ठीक है, ये याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, बस जो ऊपर वाला था उसमें माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा ऋण आवेश। ठीक है, ऋण का मतलब माइनस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के वजह से आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश की वजह से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो अभी इस बात को समझो, विद्युत धारा विद्युत विभव की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां भी बोला कि जो है आवेश की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यहां बोला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन यहां बोला विद्युत जो विभव है वो कारण है। अब यहां क्यों ऐसा बोल रहा, देखो यह एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा प्रवाह की स्थिति है। ठीक है, एक स्टेट है, एक स्थिति है। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, वो फिजिक्स में स्टेट मतलब अवस्था होता है। ठीक है, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर निम्न विभव होता है, इलेक्ट्रॉन उच्च अधिक होने पर, एक सेकंड यहां कम होगा, सॉरी यहां कम होगा। ठीक है, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर निम्न विभव होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर कम होता है तो उच्च विभव होता है, और विद्युत धारा जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो यहीं पे तो कहानी क्रिएट होती है। ठीक है, क्या बोला है, देखो किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, जैसे मान लो एक बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 12 है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समथिंग कुछ कम है। ठीक है, कम मतलब मान लो 8 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें जाएगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या बोला है, अगर चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो निम्न विभव, यानी इसके पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम है। ठीक है, निम्न विभव है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उच्च विभव होता है, और क्या कह रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरह होता है, यानी ये इधर फ्लो करेगा चार्जेस। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहीं पे तो जनरेट होगा विद्युत धारा। ठीक है, तो अब एक बार समझो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत धारा इन जनरल वर्ड सिंपल, इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इलेक्ट्रॉन के आवेशित जो कण होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा जो है उत्पन्न होती है, यानी सारा कहानी क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही उत्पत्ति का कारण है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रॉन ही विद्युत विभव को ही क्रिएट करता है। ठीक है, और जैसे ही ऊपर नीचे हो जाता है चार्जेस तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यूं समझ लो अगर डब्बे में पानी है और उसमें छेदा है, ठीक है, और इधर भी जो है डब्बा है, जिस जो डब्बा खाली है तो ये भरा हुआ है और इधर छेदा भी है, तो ये पानी पूरा निकल के कहाँ आएगा, इस डब्बे में आएगा। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे भी केसेस होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। अभी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बताना तुम लोग, अब ध्यान से देखो, हम लोग ये समझ लिए कि आवेश क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव को मापते कैसे हैं, तो विद्युत विभव को मापते हैं वोल्ट से। ठीक है, वोल्ट देखोगे बैटरीज वगैरह जो आती हैं, ठीक है, उस बैटरीज में पावर लिखा रहता है, या जो हम लोग का मोबाइल चार्जर होता है उस पर लिखा रहता है ना 5 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, तो वो उसकी पोटेंशियल जो विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बताता है। ठीक है, कि वो कितना एनर्जी कैरी कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कैरी कर सकता है। ठीक है, उस पर एम्पियर भी लिखा रहता है, तो एम्पियर क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव क्या है समझ में आ गया, इकाई इसकी वोल्ट है। अब आते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या है, किसी बाह्य बल के प्रभाव से यानी किसी कारण से इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है, एक निश्चित दिशा में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि ये दैशिक राशि है, क्लास 9 में पढ़े हो ना, दैशिक राशि किसे कहते हैं, जिसका मान भी हो और जिसकी दिशा भी हो, कुछ अपवाद है जिसमें नहीं आता है, लेकिन जिसकी दिशा और जिसका मान होता है उसको क्या कहते हैं, दैशिक राशि। तो ये भी दैशिक है, तो एग्जाम में पूछता है कौन सी राशि है, तो दैशिक राशि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, और विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, ए मीटर से, समझ में आया, और इकाई इसकी एम्पियर है। तो इसीलिए देखो है जो है चार्ज चार्जर जो होता है उसको उठा के देखना, उस पे वोल्ट और
एम्पियर, ये दो चीज दिया रहता है जो बताता है कि वो एडाप्टर यानी वो जो चार्जर है वो कितना पावरफुल है, कितना करंट वो दे सकता है एट अ टाइम। ठीक है, अब कहने का मतलब देखो सिंपल है। अच्छा यहाँ पे सिंपल चीज भी ये भी समझो कि मोबाइल को हमको चार्ज करना रहता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं जो वायर होता है वायर को डायरेक्ट ओपन वायर हम बोर्ड में खोज दें, पता है क्या होगा, मोबाइल मोबाइल फट जाएगा। सपोज वो जो मोटा वाला रहता है उसको काट के हटा दिए और हम डायरेक्ट वायर को दो लगा करके बोर्ड में डाल दिए, ठीक है, और मोबाइल चार्ज होगा नहीं, मोबाइल फट जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो मोबाइल पूरा नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो घर में हमारे बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट प्रोवाइड कराता है, 220 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया ना, 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे मोबाइल को मैक्सिमम 5 से 10 वोल्ट चाहिए होता है, 5 वोल्ट मैक्सिमम मोबाइल्स में 5 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर मेरे मोबाइल को 5 वोल्ट का ही एनर्जी चाहिए, अगर हम उसको 220 वोल्ट का देंगे तो क्या होगा, ठीक है, उड़ जाएगा मोबाइल। इसीलिए जो है ना वो एडाप्टर देते हैं, उस एडाप्टर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो है रेसिस्टर्स लगे रहते हैं, रेसिस्टर्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। इतना भी याद रख लो, रेसिस्टर्स क्या होता है, विद्युत धारा को रोक देता है, यानी वो उतना ही विद्युत धारा उसमें देता है जितना उस मोबाइल को चाहिए, इसीलिए जो है वो एडाप्टर लगा रहता है। उसको खोल के कभी देखोगे फालतू चार्जर रहेगा, देखोगे ऐसे जो है एक सर्किट रहता है इसपे गोल गोल करके ऐसे 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 बना रहता है लंबा लंबा करके, वही तो रेसिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर अभी नहीं समझना है, तो इसीलिए अडाप्टर लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी उतना ही जाए जितना चाहिए। तो उस पर क्या किया जाता है, चार्जर पे कितना वोल्ट का होता है, कितना एम्पियर का होता है, देखना तुम लोग आज। ठीक है, अब देखो, अब जो है अब तुमको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, किताब में कॉपी में लिख लेना, वी इक्वल टू कूलम, जूल पर कूलम। अब देखो होता क्या है, वी फॉर वोल्ट, वोल्ट है ना, तो एग्जाम में क्या करता है ना, विद्युत विभव की इकाई पूछता है, अगर डायरेक्ट पूछता है तो वोल्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है और वोल्ट ऑप्शन में रहता ही नहीं है, ऑप्शन में रहता है ये वाला जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये रिलेशन भी याद रखना है ताकि अगर इस पे छोटा मोटा सम भी आए तो कर पाए कि अगर वोल्ट का वैल्यू दिया है, एनर्जी दिया है और चार्ज दिया है तो निकाल लेंगे। खैर वो आता नहीं है, बस हमको ये याद रखना है कि हम वोल्ट को जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं J C^-1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लेना, बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया अभी, और ये हो गया क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, इस पे छोटे छोटे एक दो मार्क्स से सवाल आ जाते हैं, यानी चार्ज जो होता है, ठीक है, यानी आवेश जो होता है आई, यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा को ये जो आई है ना, आई को विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और ये है समय, ठीक है, समय है ये, और ये है विद्युत धारा, तो ये याद रखना, आवेश जो होता है विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, ऐसे भी डेफिनेशन बता सकते हो, आवेश विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है, तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ये भी याद रखना। तो अच्छे से समझ में आ गया, हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा, और यहां पर सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे बन रहे हैं, उसको अच्छे से कर लो। हम लोग इसी वीडियो में एक नियम देखेंगे, ठीक है, अभी तुम लोग देख रहे हो ना यहाँ पे आवेश की इकाई कूलम्ब होता है। ठीक है, तो जो कूलम्ब है वो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने जो है कूलम्ब के विषय में एक नियम दिया था, और उन्हीं के सम्मान में हम जो है सॉरी कूलम्ब ने आवेश के विषय में एक नियम दिया था, ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में आवेश की इकाई को हम कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, तो आवेश के संबंध में उन्होंने क्या नियम दिया था वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो आवेश के संबंध में इन्होंने नियम दिया था, ठीक है, चार्जेस के विषय में। सन 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर आवेशों के बीच कार्य करने वाले संबंध में एक नियम दिया, उसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। यानी कूलम्ब ने आवेशों के कार्य में जो संबंध है, यानी आवेश किस प्रकार कार्य करते हैं, उनमें क्या संबंध है, उसके विषय में जो इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया, उसी को कहते हैं कूलम्ब का नियम। ठीक है, अब आवेश का यहां पे जैसे मान लो, अगर हम एक मैग्नेट का उदाहरण लेके दें, मान लो ये एक मेरा मैग्नेट है और ये एक मेरा मैग्नेट है, ठीक है,
और इस पे जो चार्ज है Q1 है, इस पे चार्ज है जो है Q2 है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं, तो एक जो मैग्नेट होता है उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं, एक आकर्षण करने का और विकर्षण करने के। आकर्षण यानी खींचने का एक तरफ एक दूसरे को, और दूसरा होता है एक दूसरे को धकेलने का। तो कब आकर्षित करते हैं पता है ना, देखो जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो देखो जब हम मैग्नेट को रखे हैं तो इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो जब अगर अलग अलग चार्जेस एक तरफ रहेंगे यानी इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा है, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है। लेकिन अगर मान लो हम इसको घुमा दिए, इसको हम घुमा के ऐसे रख दिए, तो ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। अब देखो ये सेम सेम हो गया, अब ये एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। बचपन में देखोगे कई बार हम लोग चुंबक लेके खेलते थे, कि चुंबक एक रख देते थे और चुंबक उससे दौड़ाते थे, तो वो भागता रहता था, बड़ा अच्छा लगता था ना बचपन में। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि वो अचानक से आके पकड़ लेता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे वो चुंबक जो है घूम जाता था, हमको समझ में नहीं आता था, और जब घूमने के बाद क्या होता था, वो भी नॉर्थ और ये साउथ हो जाता था। तो नॉर्थ और साउथ क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता था, क्योंकि अलग अलग चार्जेस रहेंगे तो आकर्षित होंगे, ठीक है। अलग अलग जो पोल होंगे आकर्षित होंगे, लेकिन अगर सेम हो जाता है जैसे वो भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो क्या करेगा, धक्का देगा। तो यहां पे यही चीज देखो क्या बोला है, इस नियम के अनुसार, रटना नहीं है नियम को, एकदम समझ के याद करना है, बहुत इजी है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी एक्चुअली यहां पे कुलम्ब ने दो नियम दिया था, किसी किताब पे दोनों अलग अलग दिया है, किसी किताब में एक ही में डाल के दिया है, लेकिन हम ऐसे समझेंगे। तो पहला नियम यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, बल को एफ से डिनोट करते हैं, वो गुणनफल के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का साइन ये होता है। तो ये जो बल है किसके समानुपाती है, गुणनफल के। किसके गुणनफल के, आवेशों का, यानी Q1 इंटू Q2, है ना। यानी पहला नियम ये हो गया, ठीक है। पहला नियम क्या हो गया, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, एवं उनके बीच की दूरी, यानी आवेश, ये जो वस्तु रखे हुए हैं जिन पे आवेश है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होगा। वर्ग का विलोमानुपाती यानी जो बल है वो विलोमानुपाती होगा, यानी अनुपात का साइन ये हो गया। अब विलोमानुपात है यानी किसका विलोमानुपात है, दूरी के वर्ग का। यानी दूरी मान लेते हैं आर है, ठीक है, हम मान के चलेंगे दूरी आर है, तो आर का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे, उसका विलोमानुपात। विलोमानुपाती होता है तो किसी चीज को नीचे रखते हैं, और वर्ग का विलोमानुपाती बोला इसलिए स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार और समझाते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 और Q2 है, नियम यहीं तक है, ठीक है। तो यहां पे आप बना रहे हैं फॉर्मूले को, यदि दो आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल ये होगा। तो ये कैसे होता है, ये कहां से आया, यहां से आया, ये दूसरा नियम हुआ ना। तो देखो एफ एफ सेम सेम, तो उतार लेते हैं। अब Q1 Q2 ऊपर में है, उतार लेते हैं, और नीचे में आर स्क्वायर, तो उतार लेते हैं। देखो यही नियम ये है ना, तुमको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ये लिखने की है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये की कहां से आया, तो तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जब भी ये साइन हटता है तो कोई ना कोई एक स्थिरांक आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो स्थिरांक आया उसका नाम है के। फिर एक बार हम लोग समझते हैं, है ना, ये वाला चीज तो समझ में आई गया होगा, ठीक है। अगर चार्जेस गुणा हो जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर चार्जेस का दूरी, दूरी का वर्ग का विलोमानुपाती होता है, यानी मतलब क्या है, विलोमानुपाती मतलब क्या है, कि अगर ये दूरी बढ़ेगा तो ये बल क्या होगा, घटेगा। विलोमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो अगर ये दूरी घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, एक चुंबक यहां पर है और एक चुंबक यहां पर है, ठीक है, और फिर एक चुंबक मैंने यहां लिया, एक चुंबक मैंने कानपुर में रखा, ठीक है ना। तो अब बताओ कौन ज्यादा आकर्षित करेगा,
ऑब्वियसली ये वाला ना जो सामने है, तो दूरी अगर कम है तो बल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दूरी अगर कम है तो बल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम दूरी ज्यादा कर दें, यानी एक कानपुर में रख दें, एक लखनऊ में रख दें, तो क्या होगा, उसका दूरी बढ़ गया, और दूरी बढ़ गया तो आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये विलोमानुपाती है, इसीलिए पहला नियम ये गुणनफल के समानुपाती और ये विलोमानुपाती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, उतार लेना, और हूबहू नियम को ऐसे ही लिखना, उसमें ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये हो गया विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। इसके आगे भी विद्युत धारा में बहुत टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें, अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ये चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है।